कुमारी मायावती जी ने सतीश चंद्र मिश्रा जी को किसानों के पास भेजा है, और आज शायद हो सकता है बहन जी भी उस मामले में जाकर किसानों के परिवार से जाकर मिलेंगी। भाई साहब, इससे पहले कभी ये हादसा कभी देखे होंगे क्या, सुने होंगे? आखिरकार ये क्या मचा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर? झांसी के अंदर भी 3 दिन में 7 हत्याएं प्रदेश के अंदर हुई हैं। उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत के अंदर इस टाइम भाजपा की सरकार चल रही है और लोग गरीबी और बदहाली से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों के पास रोजगार नहीं बचा और किसान सड़कों पर कम से कम साल भर से घूम रहे हैं। इन लोग तो अब किसानों के संग अब ये इतना अत्याचार करने लगे कि रोड पे उनके ऊपर गाड़ियां चलाकर मारने लगे। क्या मानते हो, अगर आशीर्वाद आपको मिल रहा है मेहरौनी सीट से, किस प्रकार खड़े उतरोगे? अगर हमें बहन जी की तरफ से आशीर्वाद मिलता है मेहरौनी की तरफ से, तो हम पूरी मेहरौनी की जनता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, और आने वाले समय में बहन जी से हमारे उत्तर प्रदेश में किसान, बहन जी ने कहा है कि किसान कानून लागू नहीं होने देंगे। अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने कहाँ कहाँ तक के प्रत्याशी मैदान में उतार दिए? अभी बुंदेलखंड में भी हमारा एक माधवगढ़ सीट से कुशवा समाज की महिला को टिकट दिया गया है, और अभी बाकी टिकट अभी बाकी है, कुछ ही दिनों में सारे टिकट फाइनल हो जाएंगे बहन जी की रैली के बाद। उत्तर प्रदेश में बहन जी बहुत बड़ी रैली करने वाली है। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर क्या मैसेज आम जनता को देना चाहोगे कि इस घटना से सतर्क जनता हो जाए, आखिरकार ये बड़ा हादसा हुआ है? हम तो जनता से यही कहना चाहेंगे कि इन लोगों की क्रूरता को देखते हुए इनकी अगर सरकार नहीं बदली तो आने वाले समय में जिन लोग और भी जाने क्या क्या जनता के साथ करेंगे। अभी तो किसानों के साथ कर रहे हैं, मजदूरों के साथ सब कुछ हो ही चुका है लॉकडाउन में, और इसी तरीके से जो हम जनता गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करते रहेंगे। ये अमीरों की सरकार है, ये बहुजन समाज के लोगों की सरकार नहीं है, दबे कुचले लोगों की सरकार नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, जब तक गरीबों को और किसानों को न्याय नहीं मिलेगा।